मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हाल ही में शिल्पा शिंदे के सर पर बिग बॉस के 11वें सीजन का ताज सजा है। इस खिताब को जीतने के बाद शिल्पा लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जहां शिल्पा को लेकर कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बात सामने आ रही है, तो वहीं उनके फैंस ये जानने के लिए बेचैन हो उठे हैं कि आखिर वो अपनी फेवरेट शिल्पा को कब देख पाएंगे। आपको बता दें कि शिल्पा को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। हाल ही में बिग बॉस का खिताब जीतने के बाद शिल्पा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई थी और इस दौरान उनके साथ जानी मानी निर्माता रश्मि शर्मा भी दिखाई दी। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रश्मि के नए प्रोजेक्ट बम 48 के लिए रखी गई थी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 12 से 20 साल की लड़कियों को उनके टैलेंट को दिखाने का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जिस भी प्रतियोगी में टैलेंट होगा उसे इस शो के जरिए ग्रूम भी किया जाएगा। रश्मि ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ टैगलाइन को ध्यान में रखा गया है। इसके जरिए लड़कियों को ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बल्कि उन्हें खुद को ग्रूम करने का भी चांस दिया जाएगा और इस तरह से वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। वहीं शिल्पा का इस पर कहना है कि वो एक टीवी शो नहीं बल्कि रियलिटी है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जब मेरे पास पवन जी का फोन आया तो मुझे इसके बारे में पता चला और मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। वैसे शिल्पा इस प्रोजेक्ट से जुड़ी रहेंगी और बिग बॉस जीतने के बाद उनको ये नेक काम करते हुए देखकर उनके फैंस और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे बिग बॉस के बाद शिल्पा के पास कई तरह के ऑफर्स आ रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों की फेवरेट भाभी अब सबसे पहले कहां नजर आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।